हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अ कंपनी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम सैटरडे को गोवा पहुँचे और एयरपोर्ट से हम सीधे कलंगुट बीच नॉर्थ गोवा में गए और उसके बाद हमने दो दिन संडे और मंडे साउथ गोवा में बिताए और फिर ट्यूसडे को हम साउथ गोवा से वापस पंजिम की ओर निकले। आप चाहे तो तीन दिन नॉर्थ गोवा में बिता सकते हो और आप चाहो तो तीन दिन साउथ गोवा में बिता सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको पीसफुल बीच चाहिए तो आप साउथ गोवा में जाइए और अगर आपको पार्टी होली या क्लब वाले बीचेस चाहिए, क्राउडेड बीचेस चाहिए, तो आप नॉर्थ गोवा जा सकते हैं। आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों के साथ में पंजिम को ऐड कर सकते हैं या क्लब कर सकते हैं। ट्यूसडे को हम अगोंडा बीच से केवलसम बीच पर ब्रेकफास्ट करते हुए और मडगांव होते हुए पंजिम पहुँचे। पंजिम जो हमने होटल ली थी वो काफ़ी अच्छे लोकेशन पर थी। ये डोना पावला बीच से लगभग 400 मीटर्स पे थी, राजभवन के जस्ट सामने थी और मीरामार बीच से 2 किलोमीटर होगी और जो जेटी रोड है, फिशर्स जेटी, जहाँ पे सब कैसिनो की बुकिंग होती है, वहाँ से भी ये पास थी और ओल्ड गया ओल्ड पंजिम से भी काफ़ी पास थी ये वाली होटल हमारी। पंजिम में हमारे होटल पहुँचने के बाद हमने हमारा सामान होटल पर रखा और हम निकल गए ओल्ड गोवा की ओर या ओल्ड पंजिम की ओर। ओल्ड पंजिम का रास्ता 15 किलोमीटर होगा हमारी होटल से और ओल्ड पंजिम में हमने सबसे पहले घुमा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। उसके बाद उसके सामने ही था सेंट कैथेड्रल और म्यूजियम, वो घुमा। उसके बाद अराउंड 1 or 2 hours हम उसके आसपास जितने भी चर्च और पुरानी बिल्डिंग्स थी वो देखी और उसके बाद ओल्ड गोवा की कुछ काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स के सामने या पुरानी बिल्डिंग्स के सामने फ़ोटो खिंचाते हुए हम फिशर्स जेटी आए। फिशर्स जेटी पे हमने एक क्रूज़ चलता है मांडोवी रिवर पे, जो 1 घंटे की क्रूज़ राइड होती है, वो करने की कोशिश करी, बट ड्यू टू कोविड उस टाइम ये जो क्रूज़ राइड थी ये बंद थी, तो हम इसको नहीं कर पाए। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कैसिनो भी है, आप चाहो तो कैसिनो की बुकिंग कर सकते हो यहाँ से या कैसिनो जा सकते हो। इवनिंग में हम डोना पावला गए वॉक करते हुए और वहाँ से सनसेट देखा वहाँ के व्यू पॉइंट से। उसके बाद हम मीरामार बीच गए और अंधेरा होने तक मीरामारी बीच ही रुके। उसके बाद नाइट में हम जेटी रोड गए और वहाँ पे जितने भी कैसिनो थे उन पर काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, तो वो कैसिनो की लाइटिंग देखी हमने। उसके बाद फिर जेटी रोड के सामने की साइड ही कलेक्ट्रेट के पीछे इमेक्यूलेट कंसेप्शन चर्च है, जो बहुत सारी मूवी की शूटिंग्स में आया हुआ है, तो हम वहाँ गए और चर्च के अंदर विजिट करा हमने और वहाँ पर कुछ फ़ोटो लिए और उसके बाद वापस हम नाइट में होटल आ गए हमारी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पंजिम में ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट हमने हमारी होटल के नीचे ही एक सिद्धि रेस्टोरेंट था वहाँ करा और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, गोवन स्टाइल में हमने ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद हम निकल गए अंजुना बीच की ओर। अंजुना बीच पर भी हमने होटल जो हमारा कराया था वो 100 मीटर पर ही कराया था बीच से, और होटल पे सामान रखने के बाद हम बीच पे गए। बीच पे हमने पूरे बीच पे अंजुना बीच पे वॉक करा और वहाँ पे काफ़ी सारी चट्टानें हैं समुद्र में और जिन पर आप खड़े हो के बैठ के काफ़ी अच्छे फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद वापस दिन में हम लंच करने के बाद होटल आ गए हमारी और इवनिंग तक रेस्ट करा होटल में। अराउंड 3 PM हम निकल गए हमारे होटल से चपोरा फोर्ट की ओर। चपोरा फोर्ट में ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी जिसमें हमने काफ़ी इन्जॉय करा और आप चपोरा फोर्ट की हाइट से लेफ्ट साइड में वेक्टोर बीच देख सकते हो और राइट साइड में मोरजिम बीच भी आपको आराम से दिखता है और काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ से ऊपर से। और 1-2 घंटे यहाँ बिताने के बाद हम गए वेक्टोर बीच पे। वेक्टोर बीच पे भी हमने 1 घंटा बिताया होगा। उसके बाद हमें पता लगा कि एक वेक्टोर बीच की हिल टॉप व्यू है जहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है, तो हम फिर उस पे गए हिल टॉप व्यू पे, व्यू पॉइंट पे, और वहाँ से हमने पूरा सनसेट देखा और नाइट में वापस हम फिर वापस अंजुना आ गए।
नाइट में हम अंजुना बीच गए, वहाँ पर अंजुना बीच पर काफ़ी सारे बीच हट से और रेस्टोरेंट है, जहाँ से जो समुद्र का पानी है वो एकदम रेस्टोरेंट के पास तक आ जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट आपको ऑफर करते हैं कैंडल लाइट डिनर का, तो हमने भी फिर वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करा सी का व्यू देखते हुए। और डिनर करने के बाद हम हमारे होटल आ गए और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सी के पास इतना पास में बैठ के कैंडल लाइट डिनर करने का। नेक्स्ट मॉर्निंग हम अंजुना बीच से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेंडम बीच की ओर निकल गए, जहाँ पे हमने रिजोर्ट बुक करा था रिवर रिजोर्ट। ये रिवर रिजोर्ट काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी और काफ़ी पीसफुल प्रॉपर्टी है। हम अश्विम बीच होते हुए मेंडम बीच गए। मेंडम बीच नॉर्थ गोवा का सबसे साफ बीच है, जहाँ पे सबसे क्लियर वाटर है। और फिर हम शाम तक यहीं पे रुके हमारे रिवर रिजोर्ट में, जो काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे आपको हट्स भी मिल सकते हैं और रूम भी मिल सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में हम निकल गए अरम्बोल बीच की साइड। अरम्बोल बीच पे जाके हम गए स्वीट वाटर लेक में और स्वीट वाटर लेक में स्विमिंग करी। उसके बाद अरम्बोल बीच पर स्विमिंग करी और इवनिंग में वापस हम हमारे रिजोर्ट आ गए। और फिर इवनिंग से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक हमने हमारे रिजोर्ट में ही उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करा। नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे को हम मेंडम बीच से वापस बागा बीच पर आए। यहाँ पर जो हमने हमारा होटल बुक करा था वो टिटोज लेन के पास में, टिटोज लेन 2 पर फेब का होटल बुक करा था और ये भी बीच से एकदम पास में ही था। यहाँ पर हमने हमारे होटल रूम में सामान रखने के बाद बागा बीच पर गए और वहाँ पर फिर हमने वाटर स्पोर्ट्स करा। वाटर स्पोर्ट्स में हमने करा जेट स्की, बनाना राइड और पैराग्लाइडिंग। और इस वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के बाद हम थोड़ी देर बीच शेक पे ही लेटे रहे और उसके बाद हमने हमारी होटल पर आकर शावर लिया और फिर हम निकल गए बागा बीच से कलंगुट बीच की ओर हमारी एक्टिवा देने के लिए वापस, जो हमने फर्स्ट डे रेंट पे ली थी।
और कलमगुट से बागा बीच की और आते हुए हमने ढेर सारी शॉपिंग करी, क्योंकि ये शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है गोवा में। उसके बाद हम रूम पे आए और थोड़ा रेस्ट करा। उसके बाद इवनिंग में हम रेडी होके गए मुंबासा क्लब, जो टिटोस क्लब के पास ही है, और नाइट में हमने क्लब में इंजॉय करा। और अराउंड 10 PM हम क्लब से निकले और बागा बीच पर गए। बागा बीच पर हमने एक हट में डिनर करा और फिर होटल आ गए। ये जो हमारा 7 days का ट्रिप प्लान करा था हमने, काफ़ी हद तक सक्सेस रहा और हम काफ़ी सेटिस्फाई थे इससे। हम फर्स्ट टाइम गोवा गए थे और ये हमारे लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। होप सो ये वीडियो आपके काम आएगा आपके टूर प्लान में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।